हेलो गाइस, अगर आप भी अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को रिडायरेक्ट करना चाहते हैं किसी अनदर पेज में या थैंक यू पेज में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 या किसी भी कॉन्टैक्ट फॉर्म को किसी अनदर पेज या थैंक यू पेज में रिडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब आफ्टर फॉर्म सबमिशन कैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और किसी भी फॉर्म को आप किसी अनदर पेज में रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा देरी न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बस, मेरा नाम अंकित कुमार और आज की इस न्यू वीडियो में आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्मार्ट पर स्वागत है। सो बस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो बस, यह है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म और इसको हम रिडायरेक्ट करेंगे। कोई भी कॉन्टैक्ट फॉर्म हो उसको भी आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस में, ठीक है। वर्डप्रेस में एक प्लगइन पता ही आपको कि ज़्यादातर कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 ही यूज़ किया जाता है फॉर्म के लिए। अगर वो एलिमेंटर में है तो उसमें ऑप्शन होता है, अगर WP फॉर्म है तो उसमें भी ऑप्शन है, बट इसमें ऑप्शन नहीं होता है गाइस, ठीक है। इसमें हमें कुछ अलग करना पड़ता है, ठीक है, तो वही मैं बता देता हूँ। ये दो फॉर्म है मेरे पास, इसको भी मैं रिडायरेक्ट करूँगा किसी अनदर पेज में। मैं थैंक यू पेज में रिडायरेक्ट करूँगा आफ्टर सबमिशन, एंड आप किसी भी पेज में रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। STTF7 एक्सटेंशन नाम से एक प्लगइन आता है, ठीक है, तो ये मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। ये प्लगइन STTF7 एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आपको फॉर्म में जाना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में एडिट करना है इसको, ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। इसमें जो ये एक्सटेंशन है गाइस इसका, इसमें आपको मेलचैम्प का ऑप्शन भी मिल जाएगा। मेलचैम्प से भी कनेक्ट कर सकते हैं, कंडीशनल फील्ड के लिए लॉजिक मिल जाएगा आपको। ये रिडायरेक्ट एक्शन है तो ये हमें चाहिए, हमें रिडायरेक्ट एक्शन चाहिए, और इसमें ये CF7 डेटाबेस भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो रिडायरेक्ट इसको इनेबल करना आपको, या कस्टम URL सिलेक्ट कर सकते हैं, या कोई पेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्ट अ पेज, तो मैं थैंक यू पेज सिलेक्ट करूँगा। ये थैंक यू पेज मैंने पहले से ही बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिडायरेक्ट टू न्यू टैब, न्यू टैब में आप ओपन करा सकते हैं इसे, या उसी टैब में इसको ओपन करा सकते हैं। सेव हो गया। अब उसके बाद सेकेंड फॉर्म सेम इसी तरह से आपको करना है। और गाइस, ये थोड़ा फॉर्म फिलअप करने के लिए बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसमें जाता हूँ होम पेज, और यहाँ एक इंक्वायरी फॉर्म मैंने ऐड कर रखा है, तो इंक्वायरी फॉर्म में मैं फिलअप कर लेता हूँ डिटेल। अभी टेस्ट के लिए ऑनली कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। सेम इंक्वायरी में करूँगा, ठीक है। जैसे सबमिट होगा ये पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये सबमिट हो गया, अब ये थैंक यू पेज पे ये रिडायरेक्ट हो गया, ठीक है। ये मैंने सिंपल थैंक यू पेज बना रखा है, ठीक है, ये रिडायरेक्ट हो गया। ऐसे ही ये कॉन्टैक्ट अस पेज भी रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही था गाइस इसमें। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू स्मार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।